हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th का फिजिक्स का है। आज हम लोग लेक्चर जो आपका 2 पढ़े थे, चैप्टर 2 का, और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके उससे संबंधित न्यूमेरिकल को। तो आइए इससे संबंधित न्यूमेरिकल को देखा जाए। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल आपका कह रहा है 100 सेंटीमीटर फोकल दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना करना है। ठीक है, क्षमता की गणना करना है। पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 100 सेंटीमीटर फोकल दूरी, यानी यह बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर फोकल दूरी है, अवतल है, ये माइनस हो जाएगा। कह रहा है क्षमता, यानी पी बराबर वाट। तो इसकी क्षमता गणना करने के लिए हम बताए थे कि किसी भी लेंस की क्षमता क्या होती है, उसकी फोकल दूरी के व्युत्क्रम जो उस लेंस की क्षमता कहलाता है। तो क्षमता जब निकालेंगे तो पी बराबर 2 सूत्र होता है, 1/f मीटर में हो, और दूसरा पी बराबर 100/ या ये सेंटीमीटर में हो, इसी सूत्र का यूज करेंगे। तो पी बराबर 100/f का मान -100 या पी बराबर -1 डायोप्टर, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी वो जो लेंस होगा उसकी क्षमता क्या होगा, 1 - 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। टू में है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, एक व्यक्ति अधिकतम 1 मीटर दूरी तक देख सकता है, अधिकतम 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे टहलने हेतु किस प्रकृति और कितनी फोकल दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो यू का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, व्यक्ति मैक्सिमम आपका 1 मीटर दूरी देख सकता है, तो भी बराबर दिया है आपका 1 मीटर, 1 मीटर लिख सकते हैं क्या आपका 100 सेंटीमीटर, या निकट है तो मान से आएगा। कह रहा है इसकी टहलने किस प्रकृति और कितनी फोकल दूरी, यानी f बराबर वाट, इसका प्रकृति बता देना है, प्रकृति क्या होगा। चलिए चूंकि जानते हैं लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v -1/u, तो 1/f 1/v -100 -1/u इनफाइनाइट, तो 1/f बराबर -1/100, माइनस दिया जाएगा 1/0, ये अंश में जाएगा, तो 1/0, देखिए 1/0 का मान फाइनाइट होगा, -1/100 और माइनस अंश में जाएगा 0, 0 गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/f बराबर -1/100, f बराबर का जाएगा -100 सेंटीमीटर। यानी लेंस होगा उसकी फोकल दूरी क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 मीटर होगा। अब प्रकृति बताना है, इसका प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति क्या हो जाएगा, चूंकि आपका निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, पढ़ रहा हूँ। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति मैक्सिमम 5 मीटर दूरी तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी यू का मान इनफाइनाइट हो गया,
मैक्सिमम 5 मीटर दूरी तक देख सकता है। एम वी का मान -5 मीटर इसका टीका -5 लिखिए -5 मीटर। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का एमपी बराबर वाट लेंस प्रयोग करना होगा। यही आपका क्वेश्चन हुआ। पी कैसे ज्ञात होगा? पी तभी ज्ञात होगा जब एफ ज्ञात हो, तो पहले एफ निकालना, क्योंकि जानते हैं 1/V -1/V -5 -1/∞ 1/F -1/5 1/∞ का भी किए थे, इसे पहले वाला में 0 1/F -1/5 एफ बराबर का जाएगा -5। एंड 5 मीटर लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 5 मीटर होगी। और जानते हैं निकट दृष्टि दोष है, यह कौन सा लेंस होगा? अवतल। ठीक, और इसकी क्षमता निकालना, तो जानते हैं पी बराबर 1/F, तो पी बराबर 1/F का मान -1/5 इसका टू कितना जाएगा -0.2 डायोप्टर। एम इस लेंस की जो क्षमता होगी कितना होगा? 0.2 डायोप्टर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 3। क्या हुआ? 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, अनजाने ये भी है क्योंकि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बस को पढ़ रहा है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने उसे कितने फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना चाहिए और इस लेंस की क्षमता क्या होगी? जब फोकस दूरी निकाल लेंगे तो हम आसानी से क्षमता की गणना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ क्या दिया है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी वी बराबर -20 सेंटीमीटर होगा। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने हेतु, यानी यू बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर रखकर पढ़ने हेतु से चश्मे में कितनी फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी? यह बराबर वाट। और इस लेंस की क्षमता क्या होगी? पी बराबर वाट। चलिए स्टार्ट किया लेंस के सूत्र से, 1/F = -1/V -1/U 1/F = -1/V -1/20 और -U होगा -+ हो जाएगा 1/25। अब यहाँ इसको सॉल्व करें, लॉसो लेकर 20-25 का लॉसो लेना, हल करें या तिर्यक गुणा करना। इसका होगा इसमें 1/F = इसका इसमें -25, इसका इसमें 20/20 × 25। 1/F = 20 + 25 या -5/20 × 25। 5 × 5 = 20, तो 1/F = -25 × 100, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यह बराबर का होगा -100 सेंटीमीटर। देखिए चूंकि यह निकट दृष्टि दोष है, तो जो आपका प्रकृत होगा लेंस का अवतल होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। अब इसकी क्षमता निकालना हो लेंस की, तो पी बराबर का हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो 100 बटे यह कर दें, तो पी बराबर 100/-100, तो पी बराबर -1 डायोप्टर। यानी वो जो लेंस होगी उसकी क्षमता जो होगी 1 डायोप्टर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोरा दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति
कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, 40 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। जान लीजिए ये भी हो गया, क्योंकि दूरदृष्टि जो वाला व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, यानी भी हो गया। इस व्यक्ति के दोष के निवारण हेतु चश्मे प्रयुक्त लेंस की प्रकृति पाला हो गया। प्रकृति क्या होगा, कामा दिया गया है, फोकस दूरी दूसरा हो गया, इसकी क्षमता की गणना करो। जैसे निकालना देगा ना, यहाँ पर फोकस दूरी हो गया, प्रकृति हो गया, क्षमता, इसी तरह ये भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखिए, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, यानी बी बराबर -40 सेंटीमीटर। इस व्यक्ति के दोष निवारण चश्मे प्रयुक्त लेंस की क्षमता बताना है। यू बराबर हो जाएगा का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25। प्रयुक्त लेंस की प्रकृति यानी फोकस दूरी निकालना, इसका प्रकृति निकालना, इसकी क्षमता निकालना, कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए, चूंकि 1/(-1/U)/(1/F=1/V) कमान -1/40 और -1/U 25 है, तो -1 का जाएगा +25, तो 1/F बराबर, और लॉसन ले लीजिए तो 40 × 25, इसका -25 और इसका 40, तो 1/F बराबर 40 − 25 जाए 15/40 × 25, 15 × 5 = 15, 5 × 8 = 40, तो 1/F बराबर 3/200, F बराबर यंग में कर दिए हर में, तो भी अंश में जाएगा हर में, तो 200/3 सेंटीमीटर। यह दूर दृष्टि दोष है, तो आपका जानते ही हैं उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। अब इसकी क्षमता निकालिए, तो पी बराबर 100/F, तो पी बराबर 100/F 200/3, तो पी बराबर 100/200/3, तो पी बराबर 100 × 100 = 200, 3/2, तो पी बराबर 1.5 डायोप्टर। यानी लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगा, 1.5 डायोप्टर होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर साल कर रहा हूँ। कर 25 मीटर फोकस दूरी के ओपन लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात करना है 25 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी दिया यहाँ बराबर कितना 25 मीटर है, तो क्षमता पूछ रहा है, तो पी बराबर वाट। जानते हैं पी बराबर क्या होता है, पी बराबर 1/F, तो पी बराबर 1/F का मान 25, तो पी बराबर 0.0 बढ़ाएंगे नहीं भाग जाएगा 0.4 डायोप्टर। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। आप कलम और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए, इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। आप जो है इस क्वेश्चन को, जैसे क्लास का CW वर्क होता है, उसी तरह CW मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करना जरूर कमेंट करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता आपका
दो डायरेक्टर है, ठीक है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? पुनः एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़ रहा हूँ। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता माइनस दो डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है, और सॉल्व करके कमेंट करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।